शुक्रिया खातून। क्या सोच रहे हैं दुनदार साहब? आपके चेहरे के तासुरात आपके अंदर की परेशानी को साफ जाहिर कर रहे हैं। कैसे तासुरात? वो तासुरात जिसे सिर्फ आप ही जानते हैं कि आपको करना क्या है। कल मैं सरदारान से बात करूंगा। भाईजान के इंतकाल से पहले जिरगे का बंदोबस्त करना और सरदार कौन होगा इसका फैसला करना जरूरी है। आपके भाईजान के मरने से पहले? हाँ, उस्मान जब निकोला के साथ निमट रहा है, जिरगा बुलाया जा सकता है, साउची कामयाब हो सकता है। इंतखाब के लिए खुद को पेश किया उसने। तो फिर उस्मान इस फैसले को नहीं मानेगा और एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींचेंगी। फिर क्या होगा? हाँ, उनमें से एक मरेगा, जो जिंदा रहेगा वो अपने भाई का कातिल होगा। और फिर पीछे रह गए गुंदूज और मैं। फिर क्या होगा? फिर जो होगा वो तुम्हें मालूम है। मैं काई सरदार बनूंगा। अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र अल्लाह का। ओ मेरे दुनदार साहब, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, ऐसे ही रहें ताकि मैं अपनी मोहब्बत और ताकत के साथ हमेशा आपके पीछे खड़ी रहूं। जीने का असल मकसद अब दिया है आपने मुझे दुनदार साहब। आपने मुझे मौत की नींद से बेदार कर दिया है।